निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बीएसपी और सपा सरकार में बहुत पक्षपात हुआ करता था। कुछ विशेष जातियों के लोगों का वर्चस्व था जिससे हमारी बिरादरी के लोग आहत थे। बेरोजगारी और 24 घंटे बिजली मिलने को लेकर हमारे संवाददाता पंकज मंडल से संजय निषाद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनका गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी कहती है 80 और 20 का आंकड़ा लेकर चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ सपा में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि हम जिधर जाते हैं वहाँ जीत होती है। सर, किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी में शामिल हुए, क्या मुद्दे थे, क्या वजह थी बीजेपी में शामिल होने का? ये जो मुद्दे हमारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं और उस एजेंडे पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। आज के दिन में 2019 में हम लोग आए हैं, हमारा समुदाय मछुआ समुदाय इसके साथ पिछड़े जाते हैं। 70 साल से कभी कांग्रेस कभी सपा बसपा की सरकार बनाती रही इस उम्मीद के साथ कि हमारा भी हिस्सा मिलेगा, हमें भी सुख शांति मिलेगी, हमें भी समाज से हमें सामाजिक न्याय मिलेगा। लेकिन अन्याय क्या हुआ कि साइकिल बटन दबाते ही उनके लोग हाकिम बन गए, बाकी जनता हरवा पैदा हो गई। हाथी बटन दबाते उनके लोग हीरो हो गए, बाकी जीरो हो गए। इन लोगों ने जब देखा कि किसी विभाग में जाने के बाद मेरी बिरादरी के लोग नहीं हैं, हम लोग खाली वोट देने के मशीन हैं और फायदा उनके यहाँ फल रहा, तो लोग दूरी बनाना 2014 से शुरू कर दिया। तो बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि बीजेपी बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ सबको दे रही है और इसीलिए सारे जनता, आज मुसलमान का भी घर बन जाता है, यादव का भी घर बन जाता, दलित का भी घर बन जाता। इनकी सरकारों में क्या था, एक लिस्ट जाती थी उसके हिसाब से उनका काम होता था। निश्चित रूप से आज के दिन में बिजली हो चाहे कुछ भी हो, आज के दिन में ढेर सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्षी कहती है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और उसके बाद जो बेरोजगार लोग आंदोलन कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। क्या पिछली सरकारें इस पर कुछ चिंता की थी, क्या उनके समाज में ये महंगाई विषय है उस पर प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं, गृह मंत्री चिंता कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय डिस्टर्बेंस है उस। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।